बीजेपी और कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर दोनों पार्टियां करेंगी मंथन। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कृषि ड्रोन प्रदर्शनी में देखेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी सौंपेंगे। पीएम मोदी आज देश भर की 1,00,000 करोड़ की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा सेक्शन का भी करेंगे उद्घाटन। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी। जनगर्जन रैली में 42 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ यूसुफ पठान को टिकट। नुसरत जहां का कटा टिकट। मुसलमान में क्या वोट जीतने की लड़ने की ताकत नहीं है क्या? आप गुजराती मुसलमान को ला रहे हैं यहाँ पे। हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो, सम्मानजनक फॉर्मूला ढूंढा जाए, बीच का रास्ता ढूंढा जाए। एक तरफा कोई घोषणा नहीं होना चाहिए। डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने एनसीबी की एफआईआर के आधार पर जाफर सादिक ड्रग्स कनेक्शन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला किया दर्ज। एनसीबी के अलावा अब ईडी भी कर सकती है उदयनिधि स्टालिन से पूछताछ। हरियाणा के मुरथल के ढाबे पर शराब कारोबारी की गोली मारकर हत्या। भाऊ गैंग ने ली जिम्मेदारी। घटना का सीसीटीवी आया सब। लेडी डॉन और कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी की शादी के पहले गिरफ्तार किए गए काला जठेड़ी के 5 शार्प शूटर्स। स्पेशल सेल ने विदेशी हथियारों के साथ दिल्ली के द्वारका इलाके से गिरफ्तार किए शार्प शूटर्स। और रूस यूक्रेन युद्ध में पीएम मोदी की कूटनीति आई काम। पीएम ने यूक्रेन पर रूस का परमाणु हमला रुकवाया। पीएम के दखल के बाद पुतिन ने परमाणु हमला रोका। रूस 2022 में यूक्रेन पर परमाणु हमले की सोच रहा था। अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा दावा। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। नमस्ते, मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग।